नमस्कार। आज की कक्षा में हम जानेंगे परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं, अर्थात ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जिन्हें हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। तो इसकी परिभाषा यह है कि ऐसी संख्याएं जिन्हें पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त की जा सकती हैं, जहां पी तथा क्यू पूर्णांक है और q इज नॉट इक्वल टू जीरो, अर्थात q जीरो नहीं होना चाहिए, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब कुछ उदाहरण लेते हैं। दो बटा पांच माइनस तीन बटा पांच, सात बटे माइनस पांच, माइनस थ्री बाई माइनस फाइव इत्यादि। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या एक दो पांच अठारह माइनस बारह ये संख्याएं परिमेय संख्या है या नहीं। तो अब इसका निर्णय इस बात पर होगा कि क्या इसे हम p by q के रूप में लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो एक को हम कैसे लिखते हैं, एक बट एक ऐसा लिख सकते हैं। दो को हम दो बटा एक लिख सकते हैं, इसी तरह से माइनस बारह को हम माइनस बारह बटे एक लिख सकते हैं। अतः ये जो संख्याएं हैं एक दो पांच अठारह माइनस बारह, ये भी परिमेय संख्याएं ही हैं। अब अगला प्रश्न यह है कि क्या शून्य परिमेय संख्या है या नहीं। बहुतों के मन में ये आ रहा होगा कि क्या शून्य परिमेय संख्या होती है या नहीं, इसे हम परिमेय संख्या कह सकते हैं नहीं। तो ये परिमेय संख्या है या नहीं इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या हम शून्य को p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं या नहीं। तो देखिए, शून्य को हम कैसे लिख सकते हैं, हम शून्य को शून्य बटा एक लिख सकते हैं, शून्य बटा दो लिख सकते हैं, शून्य बटा एक हजार हम लिख सकते हैं। तो ये p बाई क्यू का रूप हो गया, अतः शून्य भी परिमेय संख्या है। आशा है कि ये परिमेय संख्या क्या है, किसे कहते हैं, ये आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब एक प्रश्न, एक और बात आती है कि परिमेय संख्याएं धनात्मक भी होती हैं, ऋणात्मक भी होती हैं, ठीक है ना। तो धनात्मक परिमेय संख्या, धनात्मक परिमेय संख्याएं देखिए, ये एक दो दो बटा पांच माइनस तीन बटे माइनस पांच,
ये सभी धनात्मक है, धनात्मक परिमेय संख्या है। अब यहां पर एक कंफ्यूजन आपको हो सकता है कि देखिए ये -3/-5, यहां तो ये माइनस का चिन्ह है, तो क्या ये परिमेय धनात्मक है? बिल्कुल है, क्योंकि ये दोनों माइनस को हम कैंसिल कर सकते हैं। देखिए -3/-5 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 3/5, तो ये धनात्मक है, -3/-5 भी धनात्मक है। अब है ऋणात्मक, ऋणात्मक परिमेय संख्याएं। -1, -2, -2/5, -3/5, 3/-5, ये ऋणात्मक परिमेय संख्याएं हैं। अब प्रश्न आ रहा है कि इन दोनों उदाहरणों में, इन दोनों के उदाहरण धनात्मक और ऋणात्मक में हमने शून्य नहीं दिखा है, तो प्रश्न ये उठता है कि शून्य धनात्मक परिमेय संख्या होगा या ऋणात्मक है? ये तो हम जान चुके हैं कि शून्य भी परिमेय संख्या है, लेकिन क्या ये धनात्मक है या ऋणात्मक? तो इसका जवाब ये है कि शून्य एक विशेष संख्या है, शून्य एक विशेष संख्या है ना? यह न ऋणात्मक है, शून्य न ऋणात्मक है और न धनात्मक है, यह एक विशेष संख्या है। तो आज की कक्षा में इतना ही, आप समझ चुके होंगे परिमेय संख्या किसे कहते हैं, शून्य परिमेय संख्या है या नहीं, धनात्मक परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं, ऋणात्मक परिमेय संख्या किसे कहते हैं। धन्यवाद।